सो हाय गाइस, आदर्श शेर। अगर आप अभी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे, अभी शायद 11:30 बजे के समय वक्त हो रहा है, तो ऑफिशियल आंसर की निकाल दी गई है। अब इनका यार आंसर की निकालने का तरीका इतना घटिया होता है, एक बच्चा को अगर ये फाइंड करना रहे कि कौन से क्वेश्चन पे उन्होंने चेंजेस किए और कौन से क्वेश्चन में उन्होंने चेंजेस नहीं किए, तो उनकी बैंड बच जाएगी, लिटरली मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हम लोगों ने पिछले एक दिन या दो दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने बोला था कितने नंबर ऑफ बोनसेस आप लोगों को मिलेंगे, तो उसमें हम लोगों ने 17-18 क्वेश्चंस ऐसे चूज किए थे जिसमें या तो आंसर गलत थी या फिर आप लोगों को बोनस मिल सकता था, हम लोगों ने चूज किया था। उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारे क्वेश्चंस को चेक करने की कोशिश की है, मुझे अभी तक 12 या 13 क्वेश्चन दिखा है, और मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि उसे फाइंड करना इतना ज्यादा मुश्किल था कि मैं और सारे क्वेश्चंस को नहीं देख पाया। आप प्लीज अपने क्वेश्चन पेपर का अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन पे आप लोगों को बोनस मिला है या नहीं मिला है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस क्वेश्चन पे आप लोगों को बोनस दी गई है और कौन से क्वेश्चन जो कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन जो थे, ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल जो क्वेश्चन थे उसमें क्या आप लोगों को मार्क्स मिली है या नहीं मिली है, आंसर चेंज हुआ या नहीं हुआ, इस चीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूं जहां पे आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की भी मिल जाएगी और साथ में ही आप लोगों को जो पिछले दिन मैंने बताया था कि किस क्वेश्चन पे आप लोगों को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो दोनों ही चीज के पीडीएफ मिलेगी। वो दोनों पीडीएफ को आप लोग अपने साथ में लेके डाउनलोड करके देखें, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं। वैसे अभी तो एरर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों ने अभी जेई मेंस का फरवरी का एग्जामिनेशन दिया है और आगे जेई मेंस की मार्च की, अप्रैल की, मई की और जेई एडवांस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग यार अनअकैडमी को चूज कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। यहाँ पे आप लोग या तो लाइव क्लासेस देख लो या फिर अनलिमिटेड, मतलब किसी भी टीचर के कोई भी कोर्स को जाके आप लोग कर सकते हो, सबसे बेहतरीन बात तो यह है। और इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो सारे एजुकेटर्स मिल जाते हैं, चाहे वो एनकेसी सर हो जाए, चाहे वो मनोज चौहान सर हो जाए, शरद कोठारी सर हो जाए, पीयूष महेश्वरी सर हो जाए, और भी बहुत सारे यार, बंसल सर हो जाए, सचिन राणा भैया हो जाए, डीसी पांडे सर हो जाए, तो सारे टीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। और क्या ही चीज़ आप लोगों को नहीं मिलती, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो जाए, चाहे वो बैच कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, अनलिमिटेड एक्सेस टू कोई भी कोर्स, किसी भी टीचर से 11th 12th की कुछ भी पढ़ना चाहो वो सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हो। और चाहे आप जेई मेंस या जेई एडवांस 2021 की तैयारी कर रहे हो या फिर 22 की तैयारी कर रहे हो या फिर 23 की तैयारी कर रहे हो, इनमें से कोई भी कोर्सेज अगर आप लेना चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप पहले एक महीने की ही लेके अगर ट्राई करना चाहते हो तो एक महीने का लेके ट्राई करो, आपको अगर पसंद आता है तो फर्दर आप 3 महीने 6 महीने या 1 साल का भी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एंड यू कैन यूज माय कोड आदर्श बर्णवाल। सबसे पहली बात, 24th के फर्स्ट शिफ्ट में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस ऐसे बताए थे जिसमें आप लोगों को आंसर गलत दी गई थी और उसके आंसर चेंजेस होनी थी। तो एनटीए के आंसर जितना मैं देख पा रहा हूं, तीनों क्वेश्चंस की आंसर चेंज कर दी गई है, मतलब कि 24th के फर्स्ट शिफ्ट में 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी आंसर चेंज कर दी गई है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें हमारा 1:8 आंसर दिया गया था और हमने बोला था कि आंसर 8:1 होगा, तो 8:1 उन्होंने किया है। दूसरा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आंसर 200 दिया गया था बट आंसर होगा 2000, तो वो एक चेंजेस है। और तीसरा एक क्वेश्चन है जिसमें आंसर दी गई थी 35 बट आंसर विल बी 36, तो वो एक क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चंस पे चेंजेस है और 24th के फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी बोनस नहीं, नो बोनस। 24th के सेकंड शिफ्ट में 2 बोनस दी गई है और कोई भी आंसर में चेंजेस नहीं, मतलब 2 बोनस आप लोगों को मिलेंगी 24th के सेकंड शिफ्ट में, मतलब कि 24th में जिन्होंने शाम को एग्जामिनेशन दिया था तब भी पेपर थी आप लोगों की, 2 बोनस आप लोगों को मिलेंगी मैथ के क्वेश्चंस में, 2 बोनस मिलने वाली है। वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन में मिलने वाला है। 25th के फर्स्ट शिफ्ट इसमें कोई भी बोनस नहीं है और मुझे कोई चेंजेस इन आंसर की नहीं दिखे। आप लोग प्लीज एक बार जाके मैच कीजिएगा और आंसर की में चेंजेस होगी तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूं इसीलिए ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला, अभी तुरंत आंसर किया है। 25th के सेकेंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन में बोनस मिला है, फिजिक्स की वो क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन पे आप लोगों को बोनस मिला है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि उस चीज में बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, जिन बच्चों ने भी आंसर को इस तरीके से लिखा है, सपोज अगर आपका आंसर आया 4, आपने लिखा है 4.0 या फिर 4.00, उनको मार्क्स मिला है। अच्छा, दूसरी बात ये, अब जिन बच्चों का आंसर आया है 1.8 और लिखना था आंसर 2 और उन्होंने 1.8 लिख किया है, उनको मार्क्स नहीं मिला है, ऐसे बच्चे जिनको जिनके आंसर आई है 2 और उस बच्चे ने 2.0 या फिर 2.00 लिखा है, उन्हें मार्क्स मिला है। सपोज एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन की आंसर आई है 1.4, एग्जैक्ट आंसर 1.4 होगी, लेकिन एनटीए ने ये बोला था कि आप लोगों को नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो 1.4 का नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1, तो जिन बच्चों ने 1 लिखा है उनको मार्क्स मिला है, जिन बच्चों ने 1.4 लिखा है उनको मार्क्स नहीं मिला, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तक हम लोगों ने 25th के सेकंड शिफ्ट तक बात किया है, 26th के फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा बोनस भी मिला है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में चेंजेस भी है। इन टोटल जितना मैंने अभी तक देखा है 6 क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे हैं मुझे, 6 क्वेश्चंस जिनमें चेंजेस है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बोनस मिली है, 26th के फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस में बोनस है और 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी आंसर चेंज हुई है।
जिसमें से फिजिक्स के दो क्वेश्चन है जिसके आंसर चेंज हुई है और केमिस्ट्री की दो क्वेश्चन है जिसमें आंसर चेंज हुई है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर दिया गया था 10, जबकि उसका आंसर होगा 3.33, तो 3.33 का नियरेस्ट इंटीजर है 3, इसलिए आंसर 3 होगा। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन थी जिसकी आंसर दी गई थी 74, हम लोगों ने बात किया था कि उसका आंसर 73 से लेकर 75 के बीच में हो सकता है, अब आंसर चेंज करके उसका आंसर कर दिया गया है 73। फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर दिया गया था 12, हम लोगों ने बात की थी उसका आंसर होगा 1215, आंसर चेंज करके 1215 कर दिया गया। और 26 के फर्स्ट शिफ्ट में ही एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का जिसका आंसर आया था 12, हम लोगों ने बात किया था आंसर होना चाहिए 24, उसे चेंज करके 24 कर दिया गया। तो 26 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 चेंजेस है और 26 के सेकंड शिफ्ट में अभी तक मुझे कोई चेंजेस नहीं नजर आए हैं। अगर आपको कोई चेंजेस नजर आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इन टोटल अगर आप देखोगे 2, 1, 3 और 2, 5 बोनस मिले हैं, 5 बोनस मिले हैं और 7-8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें चेंजेस हैं। हम लोगों ने 16 या 17 क्वेश्चंस ऐसे चूज किए थे जिसमें चेंजेस होने चाहिए थे और एनटीए की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें अभी तक हम लोगों को 12-13 ऐसे क्वेश्चंस दिखे हैं जिसमें चेंजेस हुए हैं। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें चेंजेस हुए होंगे, लेकिन जब आप आंसर की को देखोगे आपकी भी दिमाग घूम जाएगी कि इतना मतलब टिपिकल आंसर की, अब बच्चा क्वेश्चन आईडी ढूंढते रहे, आंसर आईडी ढूंढते रहे, सीधा स्टार मार देते कि हाँ इसकी आंसर आईडी चेंज हुई तो बच्चा चेंज देख लेता ना, लेकिन हाँ उनके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी तो लग जाता, डायरेक्ट पता चल जाता बच्चों लोगों को, तो इसी वजह से उन लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी आप लोगों को कुछ देर में शायद आप लोगों की अभी जेई मेंस की रिजल्ट भी आ जाने वाली होगी, तो मैं जेई मेंस की रिजल्ट के ऊपर भी आप लोगों का वीडियो बना दूंगा। ध्यान रहे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आप लोगों को कि जिन बच्चों ने 4 का आंसर 4.0 लिखा है उनको मार्क्स मिला है, 4 का आंसर 4.00 लिखा है उन्हें भी मार्क्स मिला है, लेकिन अगर आपने इंटीजर नहीं किया होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिला, एनटीए ने मार्क्स नहीं दिया है, तो ये एक बात थी। और बोनस जो मिला यार, मेरे हिसाब से ऐसे कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया बोनस किसे मिलेगा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसे मिलेगा या फिर जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किया उसे मिलेगा। मेरे हिसाब से मुझे जितना उम्मीद है यार कि बोनस सभी को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गई, मतलब कि क्वेश्चन में ही गड़बड़ी थी, उसकी आंसर वहां पे थी ही नहीं, तो बोनस सबको ही मिलना चाहिए। तो इधर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ ये दिक्कत है यार कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उसके समय गई, उसका टाइम गया, तब जाके उसको मार्क्स मिल रहे हैं, हो सकता है कि वो वहां पे सही बना के आता। और जिस बच्चे ने यार मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं भी किया है उसे भी मार्क्स वो मिल जाएंगे, बट क्या ही कर सकते हैं, अब देखते हैं यार। अभी कुछ देर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक शायद मैं आप वीडियो अपलोड करूं तब तक आंसर की भी आ जाए, सॉरी रिजल्ट भी आ जाए और फिर मुझे एक रिजल्ट के ऊपर भी वीडियो बनाना पड़े। आप मुझे बताइएगा यार कि आपके हिसाब से अगर कोई चेंजेस आपको और कोई चेंजेस अगर दिख रही है प्लीज आंसर की में, तो उसे नोट डाउन करके बताओ। यार इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं, वैसे अभी तो एरर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों ने अभी जेई मेंस का फरवरी का एग्जामिनेशन दिया है और आगे जेई मेंस की मार्च की, अप्रैल की, मई की और जेई एडवांस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग यार अनअकैडमी को चूज कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। यहाँ पे आप लोग या तो लाइव क्लासेस देख लो या फिर अनलिमिटेड मतलब किसी भी टीचर के कोई भी कोर्स को जाके आप लोग कर सकते हो, सबसे बेहतरीन बात तो यह है। और इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो सारे एजुकेटर्स मिल जाते हैं, चाहे वो एनकेसी सर हो जाए, चाहे वो मनोज चौहान सर हो जाए, शरद कोठारी सर हो जाए, पीयूष महेश्वरी सर हो जाए, और भी बहुत सारे यार बंसल सर हो जाए, सचिन राणा भैया हो जाए, डीसी पांडे सर हो जाए, तो सारे टीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। और क्या ही चीज आप लोगों को नहीं मिलती, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो जाए, चाहे वो बैच कोर्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, अनलिमिटेड एक्सेस टू कोई भी कोर्स किसी भी टीचर से, 11th 12th की कुछ भी पढ़ना चाहो वो सारी चीजें भी पढ़ सकते हो। और चाहे आप जेई मेंस या जेई एडवांस 2021 की तैयारी कर रहे हो या फिर 22 की तैयारी कर रहे हो या फिर 23 की तैयारी कर रहे हो, इनमें से कोई भी कोर्सेज अगर आप लेना चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप पहले एक महीने की ही लेके अगर ट्राई करना चाहते हो तो एक महीने का लेके ट्राई करो, आपको अगर पसंद आता है तो फर्दर आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का भी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एंड यू कैन यूज़ माई कोड आदर्श बढ़वा।